अपने बिजी शेड्यूल में से एक्सरसाइज का समय नहीं निकाल पाते हैं? क्या आप एक्सरसाइज तो करना चाहते हैं लेकिन आपको पूरे दिन में ऐसा कोई समय नहीं मिलता है जब आप एक्सरसाइज कर सकें? अगर आपकी भी यही समस्या है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हालांकि सच्चाई तो यही है कि हम में से कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता है कि वर्कआउट के लिए समय ना निकाल सके। बात ये है कि हम आलसी हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। जी हाँ, तमाम रिसर्च यही बताते हैं कि ये मानव स्वभाव है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। नहीं तो दिन में केवल 30 से 40 मिनट का वर्कआउट और अपनी फिटनेस के लिए समय निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और बात केवल एक्सरसाइज करने की नहीं है, 30 मिनट का समय निकालने की नहीं है, बल्कि हर रोज वर्कआउट करने की है, क्योंकि केवल एक दिन एक्सरसाइज करके आप फिट नहीं हो सकते। तो अपने बिजी शेड्यूल में से आप कैसे समय निकालें, ये हम आपको बताएंगे। कई लोगों के लिए एक्सरसाइज शुरू करना भी बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाकर ही वर्कआउट करें। आप प्रतिदिन 30 मिनट किसी भी रूप में एक्टिविटी कर सकते हैं। ये आपकी पसंद के अनुसार है। आप रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं या फिर घर पर ही योगा करते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट के लिए आप अपने शरीर को व्यायाम ज़रूर दें। अगर हम एक्सरसाइज के फ़ायदों की बात करें तो प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से इम्यूनोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और संक्रमण को, खासकर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मददगार है। एक्सरसाइज करने से न केवल आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, बल्कि आपको हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है। सर्दियों में तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कोई सा भी योगासन करना आपके लिए लाभदायक है। इसी तरह प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले तनाव के लेवल को कम किया जा सकता है। साथ ही इससे आपका मानसिक दृष्टिकोण भी बढ़ता है। एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है और ये आपके मूड को अच्छा करता है, जिससे आप खुश और ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए आपका एक्टिव होना ज़रूरी है। यदि आपके शरीर में एनर्जी ही नहीं होगी तो आप काम कैसे कर पाएंगे? रोज़ाना की एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने से आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ और आपका एंड्योरेंस बढ़ता है। एक्सरसाइज करने से बॉडी के टिश्यूज़ में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। यही नहीं, अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी स्किन भी ग्लो करने लगती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इससे स्किन को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब बहुत व्यस्त हैं और हमें शायद ही कभी व्यायाम करने का समय मिल पाए। हमारे दिन की शुरुआत हमारे कार्यस्थान तक पहुंचने की तैयारी से होती है और देर रात में ख़त्म होती है। हम में से अधिकांश लोग इसी तरह कमाने के लिए जीते हैं, ताकि बिल का भुगतान कर सकें। इस प्रकार की व्यस्त दिनचर्या में व्यायाम के लिए समय निकालना सच में एक चुनौती भरा काम है। वैसे भी व्यस्त दिनचर्या वाले लोगों के लिए चुनौती भरे व्यायाम संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए आराम और बाहरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो प्रारंभिक चरणों में आप छोटे छोटे व्यायाम प्रारंभ कर सकते हैं। एक बार जब आपके शरीर को इसकी आदत हो जाएगी तो आप धीरे धीरे इसकी तीव्रता बढ़ा सकते हैं और आखिर में अच्छे से व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम की शुरुआत करने से पहले आप ये पता लगाएं कि आपके लिए अच्छा समय कौन सा होगा। यदि आप कुछ सालों में कुछ व्यायाम करने का प्रयास कर रहे हैं तो संभव है कि उसमें से कुछ आपको पसंद होगा और कुछ नापसंद। तो ये भी तय कीजिए कि आपके लिए कौन सा व्यायाम सही है। आपको ऐसा व्यायाम चुनना है जो आपकी जीवन शैली से मेल खाता हो। कम से कम उस व्यायाम को बिना भूले निरंतर करना है आपको, ताकि आपका शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहे।
अगर आप व्यायाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं तो संभव हो तो सीढ़ियों का उपयोग करें। यदि किसी दिन आप व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो अपने कार्य स्थान पर लिफ्ट का प्रयोग ना करके सीढ़ियों का प्रयोग करें। अगर आपको अधिक कैलोरीज बर्न करनी है तो सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ें। हालांकि इस बात का ध्यान रखें ऐसा करते समय आप फिसले नहीं। अगर आप घर के बाहर एक्सरसाइज करने नहीं जा पाते हैं तो घर के अंदर ही कुछ इजी एक्सरसाइज करें। कुछ ना कुछ करके पछताने के बजाय कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कसरतों से बहुत सहायता मिलती है। इसी तरह अगर आप पूरे सप्ताह नियमित तौर पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, सप्ताह के अंत में आप अधिक कसरत करने से भी फायदा उठा सकते हैं। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। हमें पता है कि इन तमाम बातों के बाद भी शायद आप अपने लिए 30 से 40 मिनट का समय नहीं निकाल पाएंगे, तो हम आपको एक आसान सा केवल 10 मिनट का वर्कआउट प्लान बता रहे हैं। इस प्लान से आप पूरे शरीर को फिट रख सकते हैं और इसमें आपको अधिक समय देने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो ये 10 मिनट की एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। योग के महत्व को हम सब जानते हैं और हम सभी इसके फायदों से भी वाकिफ हैं। सूर्य नमस्कार सभी योगासनों में सबसे बेहतर माना जाता है। इसमें 12 आसनों का संयोजन है, इसलिए केवल एक आसन के अभ्यास से आपको 12 गुना फायदा मिल सकता है। ये आपके शरीर के हर अंग को मूवमेंट में लाता है, जैसे हाथ पैर कूल्हे सीना कंधे बाजू और एडोमेन। इस आसन के करने से हर अंग स्ट्रेच होता है और खुलता है। इसलिए अगर आप रोजाना 30 से 40 मिनट का व्यायाम नहीं कर पाते हैं तो केवल 10 मिनट सूर्य नमस्कार कीजिए, ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद वर्कआउट है। हम फिर एक बार कहते हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, तो हर बार एक्सरसाइज का ऑप्शन ढूंढिए। अगर आप नियमित तौर पर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो सप्ताह के अंत में वर्कआउट कर लीजिए, और अगर आप रोज़ 30 से 40 मिनट अपने शरीर को नहीं दे पाते हैं तो कम से कम 10 मिनट का वर्कआउट ज़रूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।